कोचिंग के इलेक्शन के रिजल्ट आ गए हैं, अमल का कोचिंग करके जीते हैं और सुशील थरूर साहब ने भी अच्छी फाइट दी है, कैसे देख रहे हैं इस रिजल्ट को? पहली बात तो ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को हमारी मुबारकबाद, वो हमारे नए प्रेसिडेंट हैं, वो तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो डॉक्टर थरूर के भी प्रेसिडेंट हैं और मेरे भी प्रेसिडेंट हैं, तो इसलिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। सो उन्होंने बहुत अच्छी फाइट की और ये मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। जहाँ तक डॉक्टर थरूर का सवाल है और जो हमारी कैंपेन का सवाल है, मुझे लगता है कि जो लोग हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को जानते हैं, कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स को जानते हैं, उनको समझ आ गया कि डॉक्टर थरूर का रिजल्ट कितना अच्छा है। आपको ये पता होना चाहिए कि इतने वोट किसी ओपोनेंट को नहीं मिले हैं काफ़ी देर से, तो ये इसके लिए मुझे लगता है कि हमारे जो वॉलंटियर, हमारी एक छोटी सी टीम है, कोई वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की और उसकी वजह से मुझे लगता है डॉक्टर थरूर को इतने वोट मिले, और बहुत खुशी की बात है। इन सम वेज मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की जीत है आज के दिन। सुबह एलिगेशन भी लगे थे और उन एलिगेशन को लेकर बैलेट बॉक्स पर भी एलिगेशन लगे थे, उसमें मधुसूदन मिस्त्री ने भी रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टिगेट करने के बाद काफ़ी जेनरिक जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, कैसे देख रहे हैं आप और व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड आपके हिसाब से? देखिए, इलेक्शन के दौरान हमारी टीम ने मधुसूदन मिस्त्री जी को, वो हमारे चीफ इलेक्शन अथॉरिटी हैं, उनको डिफरेंट इश्यूज़ पे उनको हमने कम्युनिकेट किए थे, अपने जो भी हमारे कंसर्न्स थे, इंक्लूडिंग इलेक्शन डे पे, इलेक्शन डे के दूसरे दिन भी। लाइक अल्टीमेटली तो चीफ इलेक्शन अथॉरिटी को डिसीजन लेना होता है, उनको उनका अपना वो रोल है और वो हम सब रिस्पेक्ट करते हैं। उनकी टीम ने बहुत मेहनत की, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की। ये बहुत मुश्किल, ये देखिए बहुत सालों के बाद हमारा इलेक्शन चल रहा था, तो इतना इजी नहीं है, कोई भी इलेक्शन परफेक्ट नहीं हो सकता, तो उसमें मिस्त्री जी की टीम ने और मिस्त्री जी ने खुद बहुत मेहनत की और हम उनका शुक्रिया करते हैं, और जो उनका डिसीजन किसी भी चीज़ पे हो, हम वो हमारे सरांखों पे। एक और क्वेश्चन होगा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल, जो भी आपके जो पॉइंट्स थे और डाउट्स थे वो आपको भेज दिया जाएगा, और थोड़ा वो क्रिटिकल भी थे क्योंकि ये आउट इन पब्लिक हो गया था। हाँ, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, जैसे डॉक्टर थरूर ने भी कहा, ये एक हिसाब से लीक हो गया, जिसकी हम क्योंकि ये हमारी फैमिली का इलेक्शन है और हम नहीं चाहते थे कि ये ऐसी चीज़ें बाहर जाएं, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें बाहर चली जाती हैं और उस पर कभी शायद कंट्रोल भी ना रहते हो, तो सर्टनली डॉक्टर थरूर और मेरी इजाज़त से तो नहीं हुआ, लेकिन हुआ, उसके लिए मैं मुझे बहुत अफसोस है कि ऐसा हुआ, जिसने किया उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ ही में ये भी बात है कि मुझे लगता है कि आज पार्टी फिर से जुड़ के आगे को बहुत स्ट्रांग होगी और खड़गे जी की हम सब मदद करने के लिए तैयार हैं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी अब जो खड़गे जी प्रेसिडेंट बने हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? हमारी एक्सपेक्टेशन खड़गे जी से सिर्फ ये है कि वो कांग्रेस पार्टी को स्ट्रांग बनाएं, हमारे वर्कर्स का ख्याल रखें, उनका इनपुट लें, हमारे जो डेलीगेट्स हैं उनका इनपुट लें, और उसी से हम ग्रास रूट्स लेवल से ही जब बढ़ेंगे और जब हमारे वर्कर्स स्ट्रांग होंगे, कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग होगी। शशि थरूर जी का अब आगे और रोल आप कैसे देखते हैं? अब डॉक्टर थरूर तो वो अपना रोल खुद देखेंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इस इलेक्शन के बाद बहुत सारे लोगों को पता चल गया कि डॉक्टर थरूर इज हमारे एक कांग्रेस के बहुत अच्छे और बड़े लीडर हैं और इज्जतदार लीडर हैं, और ऐसा रिजल्ट आने के बाद मुझे लगता है मुल्क को पता चल गया कि उनकी कैसी इज्जत होनी चाहिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।